जय हिंद एवरीवन ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् ओम शांति 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 ही इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े हेलो स्टूडेंट्स ना इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट द सिक्स चार्ट्स इन इनवियस प्रीवियस प्रीवियस वीडियो वी वी लर्न लर्न अबाउट अबाउट राजा जय सिंह ऑफ द जयपुर Uh, Bengal Awad. and now in this lecture we learn about the sikhs jats so now we start the sikhs the organization uh, the organization of the sikhs into a political community during the सेवेंटीन सेंचुरी हेल्ड इन द रि रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब जब ये सिख लोग आने लगे तो पंजाब की पंजाबी वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होने लगा था सेवरल बैटल्स वेर फोर्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह जो गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द किसके अगेंस्ट कहा था राजपूत मुगल रूलर्स बहुत बिफोर एन बिफोर एन आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699 जब ये गुरु गोविंद सिंह आए जब उन्होंने जब ये बैटल की थी जब ये सिख लोग आने लगे तो उनके बाद में ये जो पंजाब है वो बहुत ही ज़्यादा आगे आने लगा था

तो इन लोगों ने अपना खुद के अलग से उन लोगों को लगा भी है मुगल उन लोगों को भी अब समझ में आने लगा था कि मुगल का पावर कम हो गया तो उन लोगों ने मुगल लोगों के सामने लड़ाई की और उसके बाद भी अपने खुद का अलग से इलाका जमाने लगे बंदा बहादुर वो कैप्चर्ड इन सेवन एक्सिक्यूटेड इन सेवन फिर क्या होने लगा जब ये उनको पकड़ लिया गया डेथ हो गई से इन दिस फिगर गुरु गोविंद सिंह द टेंथ गुरु थे जो तो हुआ करते थे अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द एटीन सेंचुरी अगर हम एटीन सेंचुरी में जो लीडर थे उनकी बात करें द दिख ऑर्गेनाइज इन टू नंबर ऑफ अल्ड द जाथाज उनको क्या बोला जाता था इट इज कॉल्ड द कोल्ड दें लेटर ऑफ ऑन मिस मिसल्स उनको मिस, मिस भी बोला जाता था देअर कम्बाइंड फोर्सेज वे आर एज अ ग्रैंड आर्मी दल खालसा उसकी जो एक आर्मी थी वो दल खालसा नाम से Famous Viti, the entire body used to meet at Amritsar at the time at Baisakhi and Diwali to take a collective decision as a resolution of the Guru. गुरु गुरु मताज उन लोगों ने क्या अभी डिसाइड किया कि जब ये वैसा कि दिवाली जो ये टाइम आएगा उस टाइम पे फेस्टिवल के टाइम पे वो लोग रिजोल्यूशन डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह से काम करना है और सिस्टम कोल्डर राखी एक ना एक सिस्टम बनाई उसको नाम दे दिया दे दि, दिया गया कि राखी राखी वॉज इंट्रोड्यूस ऑफरिंग प्रोटेक्शन और टू कल्टिवेशन ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ अ ट्वेंटी परसेंट ऑफ द प्रोड्यूस उन लोगों ने क्या किया कि अगर आप जो जो ये कल्टिवेशन हो रहा है आपका जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसमें से आप हमें ट्वेंटी परसेंट दे दोगे तो हम के पूरी तरह से आप लोग सिक्योर हो जाओगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरु गोविंद सिंह इंस्पायर्ड खालसा, खालसा।, तो खालसा।, खालसा लोगों ने बोल दिया कि हम ही राज करेंगे हमारा अलग से इलाका हो जाएगा हमारी पावर अब ज्यादा होने लगेगी देर नीट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल टू अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू द मुगल गवर्नर्स फोर्स And then to Ahmad Shah Abdali who had says to reach province province of the Punjab of the Sarkar of the Srinik from the Mughals. The Khalsa declared this when ruled by the striking their own coin again 1765. This coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of the Bandabadun. अब इन लोगों ने क्या किया कि जैसे कि अलग अपना रूल राज करेगा खालसा लेके आए थे तो उस तरह से वो लोग अलग अलग जगह पे वो लोग अपना 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 इलाका अलग से बनाने लगे थे अहमद दाली जिसने जिसने ये बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करता था उस टाइम पे उन्होंने इन सबको हेल्प कर दी खालसा लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी जो ये उनके खुद का अलग अलग Uh, अलग अलग कब्जा जमाने लगे थे तो उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही uh, हमारा ही राज चलेगा द से टेरिटरीज इन द लेट एटीन सेंचुरी अगर हम एटीन सेंचुरी तक तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड हो गए थे फ्रॉम इंडस से लेके जमुना बट दे वेर डिवाइडेड अंडर अ डिफरेंट रूल कहाँ तक वो लो, वो लोग इंडस से लेके जमुना रिवर तक वो लोग बहुत ही ज़्यादा उनका जो अलग अलग रूलर्स के साथ वो लोग डिवाइड हो गए थे वन ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह रीयूनिटेड दिस ग्रुप्स एंड एस्टाब्लिश दिस कैपिटल लाहौर इन सेवनटीन नाइनटी नाइन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन लोगों ने री एक ग्रुप बनाया और कैपिटल बनाई लाहौर सेवनटीन नाइन में उसके बाद मराठास जो ये मराठास थे उन लोगों की जब ये लड़ाई हुई थी वो लोग बहुत ही ज़्यादा मुगल लोगों के साथ में लड़े थे उनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी तो मराठास किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम टू अराइज आउट ऑफ द सस्टेन ऑफ़ ओपोजिशन टू द मुगल रूलर शिवाजी जब ये शिवाजी का राजा आया तो उन्होंने क्या किया शिवाजी रूलर हुआ करते थे उन्होंने मुगल लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा अपनी आर्मी के साथ लेके वो लोग बहुत ज़्यादा फाइट की थी बैटल हुई थी लोगों के बीच में कार्वेड आउट ऑफ स्टेबल किंगडम विथ सपोर्ट ऑफ द पावरफुल वॉरियर फैमिलीज़ देशमुख जब ये देशमुख फैमिली हुआ करती थी उन्होंने ये वॉरियर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी उन्होंने ये शिवाजी को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पिजन पेस्ट्रोलिट्स को निप्स हुआ करते थे प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी ये लोग क्या करने लगे थे अब उनको लगा कि शिवाजी वो बहुत ही ज्यादा अपने अपना जो इलाका है उनके लिए लड़ रहे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की थी शिवाजी यूज दिस फोर्स शिवाजी यूजड दिस फोर्स टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनसुल् पेनसुला इट मीन्स की जो साउथ साउथ इंडिया वाला जो ये नीचे वाला एरिया होता है इट इज़ द आफ्टर शिवाजी डेथ अगर शिवाजी की डेथ हो गई उसके बाद अफेक्टिव पावर इन मराठा स्टेट वॉर वेल्डेड बाय अ फैमिली उसके बाद जो चित पवन ब्राह्मण ब्राह्मण्स हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेस सर्स ऑफ द पेशवा पूना भी कंद कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम ऑफ शिवाजी की डेथ के बाद में जो ये चित पवन ब्राह्मण्स था उन्होंने ये जो आगे सक्सेसर की तरह आप Uh, अपने uh, ये uh, ये जो पावर थी वो आगे दिखाई थी अंडर द पेशवास द मराठा डेवलप्ड द वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस देयर सक्सेस ले इन बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द मुगल्स बाय द रेडिंग सिटीज एंड बाय इन एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज वेद देयर सप्लाईज लाइन्स एंड रेनफोर्समेंट कुड बी इजीली डिस्टर्ब अब ये मराठा लोग क्या करते थे अपनी आर्मी इसी जगह पर लेके जाते थे जहाँ मुगल लोगों की आर्मी के जो बहुत कम लोग वहाँ पे पहुँच सके फिर वहाँ पे वो लोग जाके बहुत ज़्यादा बैटल करते थे और वो लोग जीत जाते थे अभी तो क्या हुआ बिटवीन सेवनटीन ट्वेंटी से लेके सेवेंटीन सिक्सटी वन तक मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड बहुत ज़्यादा सब जगह पे उनका अभी जो ये राज चलने लगा था इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर मालवा एंड गुजरात वे सेज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द सेवनटीन ट्वेंटीज़ बाय द सेवनटीन थर्टीज़ द

क्लेम्ड बाई द ज़मींदार इन द डेकन्थ इज वॉज कलेक्टेड बाई द मराठा मराठा लोग क्या करते थे चौथ मतलब कि जो यहाँ फोर्थ पार्ट होता था ट्वेंटी फाइव परसेंट पार्ट होता था वो ज़मींदार से वो लोग टैक्स काउंट करके ले लेते थे सर्दे मुखी इट मींस कि उसमें से जो नाइन टू टेन परसेंट पार्ट होता है वो नाइन टू टेन परसेंट पार्ट होता था जो कलेक्ट करते थे टैक्स उनको दे दिया जाता था ऐप्टर राइडिंग डेली इन द सेवनटीन थर्टी सेवन द फ्रंटायर्स ऑफ द मराठा डोमिनेशन एक्सपांडेड रैपिडली बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपांड होने लगा था जैसे कि राजस्थान एन द पंजाब इन द नॉर्थ इंटू द बंगाल एंड ओरिशा इन द ईस्ट इन टू कर्नाटका एंड तमिल इन द तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ ये सारी जगह पर अब मराठा लोगों का राज चलने लगा था दीज वेर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट पूरा का पूरा मराठा एम्पायर वहाँ पे नहीं था कि उनके ही रूलर राज करने लगे थे पर वो बहुत वो लोग उन लोगों को भी मराठा लोगों की सारी चीज़ों बहुत अच्छी लगने लगी थी तो वो बहुत सारे रूल्स उन लोगों के यूज़ करने लगे थे उन लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइप कर लेते थे बट वेयर मेड टू पे ट्रिब्यूट टू एज अ वे ऑफ एक्सपेडिंग मराठा Uh, sovereignty expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile towards the Marathas. As a result, they were not in line. टू सपोर्ट द मराठाज डूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ अ पानीपत इन सेवनटी सिक्सटी वन अब सारे अलग अलग इलाके वाले रूलर्स को भी पता चले लग, अलग अलग किंगडम वालों को कि ये मराठा है वो तो अब सारी जगह पे स्प्रेड होने लगा है तो फिर जब ये पानीपत की जब उनकी बैटल हुई तो उसमें और किसी भी स्टेट वाले रूलर्स ने भी उनका साथ नहीं दिया था अलो <coughs> साइड एंड लेस मिलिट्री कैम्पियंस द मराठास डेवलप एंड अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local condition into the account. अब क्या हुआ जैसे कि उन लोगों की military तो बहुत अच्छी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी थी एट मिन फाइनेंशियली भी वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के वो रीच होने लगे थे रेवन्यू भी उन लोगों का बहुत अच्छी तरह से आने लगा था एग्रीकल्चर बहुत अच्छा जाने जा रहा था दिस अलाउड मराठा सरदार जो लोग हुआ करते थे लाइक सिंधिया ऑफ द ग्वालियर गायकवाड़ ऑफ बरोडा एंड द पोस्टले ऑफ़ नागपुर द रिसोर्स टू तो रेस पावरफुल आर्मीज अब उन लोगों की आर्मी बहुत अच्छी होने लगी थी क्योंकि देखो अब फाइनेंशियली वो लोग अच्छे होने लगे थे तो वो मिलिट्री वालों को अच्छी तरह से सैलरी पे कर सकते थे मराठा कैम्पियंस इन टू मालवा इन द मा सेवनटीन टी डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्परिटी ऑन इन द Ujjain expanded others India's patronage and indoor under Holkar's. By all accounts, these cities were large and prosperous, and function is important. कमर्शियल एंड कल्चर सेंटर्स न्यू ट्रेड रूट्स अभी नए नए ट्रेड रूट्स उन लोगों का बिजनेस भी बहुत अच्छा जाने लगा था हर एक जगह पे वो लोग एक्सपांड होने लगे थे सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रिजियन नाउ फाउंड न्यू आउटलेट इन पूना मराठा कैपिटल मराठा की जो कैपिटल बोली थी पूना वहाँ पर भी इन लोगों का सिल्क का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था बुरहानपुर विच हैड अर्यर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन द आगरा एंड सूरत नाउ एक्सपांडेड उथ एंड लखनऊ एंड दलाहाबाद इन ईस्ट और क्या हुआ कि देखो देखो उन लोगों का ट्रेड बहुत अच्छा जाने लगा बहुत एक्सपांड होने लगा था उसमें से उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे मिलने लगे थे तो मर्चेंट से वो भी अभी रिच होने लगे थे उसके बाद आता था दाइक द अदर स्टेट अगर हम दूसरी स्टेट की तरह देखे झाथ कॉन्सिलेटेड पावर ड्यूरिंग द लेट सेवेंटीन सेंचुरीज अंडर धेर लीडर अगर सेवनटीन और एटीन सेंचुरी की बात करें तो उनके जो लीडर हुआ कहते थे चूरा चूरामेंट थे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी टेरिटरीड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ द डेली एंड बाई दिक्सटीन एटीज दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रिजियन बिटवीन द टू एम्पीरियल सिटीज ऑफ द डेली एंड आगरा फॉर अ वाइल्ड दे बिकम द वर्चुअल कंस्टोनेट्स ऑफ द सिटी ऑफ द आगरा अब क्या हुआ देखो जैसे झाट लोग थे उन लोगों के भी वो लोग धीरे धीरे अभी आगे आने लगे थे वो लोग जब ये उनके एक लीडर हुआ करते थे चुरमन वो लोग उनके हाथ में पूरे की पूरी आ, पावर आने लगी थी वो भी उनके आ, उनके अंडर में जो आते थे जो रिजियन उनको भी आगे ले जाना चाहते थे द झाट से प्रोस्परस वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे एग्रीकल्चर की बात कर लो एंड टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्ला बाल Balaghara became important trading centers in the area dominating by them. Under the Surajma, the kingdom of Bharatpur emerged as a strong state. When Nadir Shah <coughs> Delhi in 1739, many of the city's notables took refuge there. His son Jawahir Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Marathas and 15,006 troops to the fight of the mughal मुगलों के सामने वो लोग इतने सारे लोगों को आ, फाइट करने के लिए वो भेज सकते थे उनके पास आर्मी भी इतनी हुआ करती थी मर्चेंट्स भी अच्छे हो गए थे रीच हो गए थे तो अभी ये जो सारे उनके अंडर में आने वाले स्टेट्स थे उनके अंडर में आने वाले इलाके थे वो लोग अभी रीच होने लगे थे प्रोस्परस होने लगे थे वाइल्ड भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन अ वेली ट्रेडिशनल स्टाइट एट अ डिग द झाड्स बिल्ट इन अ इलाबोरेट गार्डन बहुत अच्छी तरह से गार्डन भी हुआ करते थे कंबाइनिंग स्टाइल्स इन एट द अम्बेर एंड द आगरा इट्स अ बिल्डिंग वेर नॉब मॉडल्ड एंड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोशिएटेड विद द रॉयलिटी अंडर द शाहजहाँ शाहजहाँ के जो अंडर में जो ये रॉयलिटी हुआ करती थी उन्होंने वो भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न डेवलप किया था बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर का काम था वो भी बहुत अच्छी तरह से गया था नाउ द फ्रेंच रिवोल्यूशन अभी फ्रेंच वालों का जो रिवोल्यूशन आया था सेवनटीन एटी नाइन सेवनटीन सेंचुरी की बात है टू सेवनटीन नाइनटी फोर इन द वेरियस स्टेट सिस्टम ऑफ द एटीन सेंचुरी इंडिया द कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ दियर गवर्नमेंट जो ये कॉमन पीपल हुआ करते थे ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे उनको कोई इतना राइट right नहीं था कि वो लोग यहाँ पे जो उनके गवर्नर जो उनके जो कोर्ट होती थी किंग की उसमें कोई पार्टिसिपेशन दिखा सके इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दिस वाज़ द सिचुएशन अंटिल द एटीन सेंचुरी अमेरिकन एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन चैलेंज द सोशल एंड पोलिटिकल प्रिविलिजन एंजॉय बाय द एरिस्टोक्रैट्स ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन उन्होंने क्या बोला मिडिल क्लासेस पिजेंट्स थे आर्टिसियंस थे क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे फोर्ट अगेंस्ट द स्पेशल राइट एंजॉयड बाई द क्लियरजी एंड द नोबिलिटी दे बिलिव डेड नो ग्रूप इन द सोशियलिज बेस्ड ऑन द बर्थ अगर किसी के बर्थ के ऊपर किसी को डिवाइड नहीं करना चाहिए अगर वो पुअर है उनके पास पैसे नहीं हैं वो लोग अलग कास्ट के हैं लोअ कास्ट अपर कास्ट ये जो सारा उन्होंने बोला कि वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए पीपल्स सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन अ मेरिट फिलोसॉफर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन सजेस्टेड है उन्होंने क्या सजेस्ट किया इक्वल लॉ होना चाहिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए दे दल्सो हैड दैट ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड कम फ्रॉम द पीपल हु मस्ट पोजीज द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स ऑफिस मूवमेंट सच इज द फ्रेंच एंड द अमेरिकन रिवोल्यूशन ग्रेजुअली ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट इन इनटू द सिटीजन उन्होंने बोला कि सब लोगों के बीच में एक जैसे रूल्स होने चाहिए आ, किसी को किसी के भी सर्टिफिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अपॉर्चुनिटी सबको बहुत ही इक्वल इक्वल मिलनी चाहिए द आइडियाज ऑफ द सिटीजनशिप नेशनल स्टेट डेमोक्रेटिक राइट्स टू रूट इन इंडिया फ्रॉम द लेटर नाइनटीन सेंचुरी अभी जो नाइनटीन सेंचुरी आने लगी थी उस टाइम से ये जो सारे रूल्स जो बताए गए थे वो आ, अभी वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे नाव हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश सो थैंक यू स्टूडेंट्स